हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑसम नॉलेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डीओ और परफ्यूम में क्या अंतर होता है। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि डीओ और परफ्यूम एक ही होता है, और कुछ लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि डीओ और परफ्यूम ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, डीओ जिसे डिओड्रेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारे शरीर के बैक्टीरिया से निकलने वाली गंध को खुशबू में बदल देता है। ये शरीर पे पसीने की बदबू को हटाने के लिए और शरीर पर अच्छी खुशबू को लाने के लिए लगाया जाता है। ये अधिकतर अंडरआर्म्स, गले, पेट और पीठ पर आदि पर लगाया जाता है, मतलब किसी बॉडी पर लगाया जाता है, जबकि परफ्यूम को सिर्फ कपड़ों पर लगाया जाता है। दोस्तों, परफ्यूम में 10 से 25% तक एल्कोहल और तेल मिलाया जाता है। परफ्यूम को पूरे शरीर के सिर्फ कपड़ों पर छिड़का जाता है और इसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा होती है। दोस्तों, डीओ और परफ्यूम में असली अंतर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, डीओ को बॉडी पे सीधा अप्लाई किया जाता है, जबकि परफ्यूम को सिर्फ कपड़ों पे इस्तेमाल किया जाता है। डीओ को बॉडी से पसीने की बदबू को दूर करने के लिए लगाया जाता है, जबकि परफ्यूम का इस्तेमाल खुद को खुशबूदार बनाने के लिए किया जाता है। डिओड्रेंट में ऑयल और अल्कोहल की मात्रा 10 से 15% तक होती है, जबकि परफ्यूम में 10 से 25% तक का ऑयल और अल्कोहल मिलाया जाता है। परफ्यूम की उत्पत्ति 2री शताब्दी ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में हुई थी, जबकि डीओ की उत्पत्ति 1888 में फिलाडेल्फिया के एक अज्ञात आविष्कारक के द्वारा हुई। डीओ को स्प्रे और रोल ऑन स्टिक के द्वारा लगाया जाता है, जबकि परफ्यूम को केवल स्प्रे के द्वारा लगाया जाता है। दोस्तों, परफ्यूम अधिकतर डीओ से महंगा होता है। परफ्यूम डीओ के मुकाबले अधिकतर टिकता है, यानी कि परफ्यूम की खुशबू ज़्यादा देर तक रहती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि डीओ और परफ्यूम में क्या अंतर होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई सवाल ऐसे हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।